हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जी के, और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट चल रहा है। और आज हम करेंगे 52nd, 55th, 56th, 58th, 61st, 62nd, 65th, 69th एंड 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। अगर इसके पहले की अमेंडमेंट्स आपको देखनी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। अब ये अमेंडमेंट हुई थी राजीव गांधी के टाइम पे, और उन्होंने इस अमेंडमेंट के थ्रू पॉलिटिकल डिफेक्शंस को खत्म किया था, और साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया 10th शेड्यूल ऐड किया था। ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि कौन कौन से बेसिस पे आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को डिसक्वालीफाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें मोड्स फॉर डिसक्वालिफिकेशन दिया है 10th शेड्यूल में, राइट। नेक्स्ट आता है 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986। अब ये अमेंडमेंट हुई 86 में थी, बट इफेक्ट में 20 फरवरी 1987 को आई थी। ठीक है, इसमें अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बनी थी। ठीक है, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई थी। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में एक 30 मेंबर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी सेटअप करी थी थ्रू 56th अमेंडमेंट एक्ट 1986, राइट। नेक्स्ट आता है 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। ठीक है, इसमें गोवा को एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया, और गोवा में एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी सेटअप कर दी। बट जो दमन एंड दीव था वो पहले भी यूटी था, और अब भी यूटी ही रहने दिया इन्होंने। ठीक है, दमन एंड दीव में कोई चेंज नहीं की, गोवा को चेंज करके एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया और एक गोवा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप कर दी, राइट। नेक्स्ट आता है 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। ठीक है, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी दे दी कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में भी बनेगा। ठीक है, और वो लोगों तक हिंदी में पहुंचेगा। ठीक है, और ये अथॉरिटी किसने दी थी? प्रेसिडेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। ठीक है, और ये इफेक्ट में कब आया था? 89 में। ठीक है, और इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ था, आर्टिकल 326 को अमेंड किया था। आर्टिकल 326 में क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, और पहले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? पहले था कि जो भी बंदा 21 इयर्स के ऊपर है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, अब इस अमेंडमेंट के थ्रू जो वोटिंग एज थी वो 21 से कम करके 18 इयर्स कर दी। अब से 18 इयर से ऊपर जो भी पर्सन है वो अपनी वोट दे सकता है। ठीक है, तो 61st अमेंडमेंट में आर्टिकल 326 में अमेंड करा था, और वोटिंग एज 21 से कम करके 18 इयर्स कर दी थी, राइट। नेक्स्ट आता है 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसमें जो एससी और एसटी कैटेगरीज की सीट्स थी लोकसभा में उनको इंक्रीज कर दिया, उनकी रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया 10 साल के लिए और। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे एससी और एसटी कम्युनिटीज के जो लोग थे वो बहुत ही दबे हुए थे। ठीक है, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने एससी एसटी कम्युनिटीज के जो लोगों की सीट्स थी उनको लोकसभा में रिजर्व कर दिया था 10 साल के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या होता गया, हर 10 साल बाद वो रिजर्वेशन इंक्रीज करते गए, उनकी जो पीरियड था वो इंक्रीज होता रहा। ठीक है, तो ऐसी 89 में 10 साल के लिए और इंक्रीज कर दिया, और 90 से लेकर 2000 तक इंक्रीज कर दी एससी एसटी कम्युनिटीज के की रिजर्वेशन। ठीक है, अभी भी 2013 तक इंक्रीज हुई है, और कब की थी? 2019 में अमेंडमेंट हुई थी, और उसमें 2020 से लेकर 2030 तक एससी एसटी कम्युनिटीज की सीट को रिजर्व कर दिया था। ठीक है, और साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के लोग थे उनकी रिजर्वेशन भी लोकसभा में इन्होंने एक्सटेंड कर दी थी 10 साल के लिए और। ठीक है, तो 62nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, एक तो एससी एसटी कम्युनिटीज के लोगों की सीट्स को 10 साल के लिए और रिजर्व कर दिया। ठीक है, 10 साल का पीरियड और इंक्रीज कर दिया उनकी रिजर्वेशन का, और एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के जो लोग हैं जिनकी नॉमिनेशन हम लोकसभा में करते हैं उनकी उनका भी पीरियड 10 साल के लिए और इंक्रीज कर दिया था अप टू 2000 तक, राइट। फिर आती है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990। ठीक है, इफेक्ट में कब आया था? 92 में आया था। इसमें इन्होंने एक नया नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी सेटअप किया, और वो सारे एससी एसटी कम्युनिटीज को देखेगा। अब जो भी नेशनल कमीशन इन्होंने बनाया था एससी एसटी के लिए वही एससी एसटी कम्युनिटीज की टेक केयर करेगा, राइट। नेक्स्ट आता है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, और ये इफेक्ट में आया था 92 में।
ठीक है, इसमें दो नए आर्टिकल्स ऐड किए, कौन कौन से, 239AA एंड 239AB। ठीक है, इसमें क्या ऐड किया, इसमें एक तो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी की डेजिग्नेशन थी, ठीक है, वो चेंज करके क्या बना थी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, और साथ ही साथ दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप की और उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट करे। ठीक है, कब करे, 69th अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, दो आर्टिकल्स ऐड करे थे 69th अमेंडमेंट के थ्रू, राइट। नेक्स्ट आती है 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब हुई थी, 1992 में हुई थी। इसमें आर्टिकल 54 और आर्टिकल 368 को अल्टर किया था। ठीक है, 54 में क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट की इलेक्शन, 368 में अमेंडमेंट की बात करी हुई है। ठीक है, इसमें क्या अमेंडमेंट करी थी कि जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है, कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली के, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी के, ठीक है, वो दोनों मेंबर्स अब से जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, मतलब कि जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है ना तो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ठीक है, अब उस कॉलेज में दिल्ली और पौंडीचेरी के जो मेंबर्स है, दिल्ली और पौंडीचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स है, ठीक है, वो भी इलेक्टोरल कॉलेज में अब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इन दोनों के मेंबर्स भी अब प्रेसिडेंट की इलेक्शन में बैठेंगे, राइट। ये कहाँ लिखा था, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे। अब दो तीन लेक्चर्स में हम अमेंडमेंट्स खत्म कर देंगे और उसके बाद हम प्रेसिडेंट का पार्ट शुरू करेंगे, राइट। अगर इस लेक्चर में कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।